हैदराबाद में बैंक की कैश वैन से 13 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम लूटने वाले 4 मुलजमान मुबैना तौर पर एक मुकाबले में हलाक हो गए, जबकि एक पुलिस अहलकार ज़ख्मी हुआ। सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस SSP हैदराबाद अमजद शेख के मुताबिक, हैदराबाद पुलिस ने थाना हटरी के इलाके में मुलजमान की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की तो पुलिस मुकाबला हो गया। दो तरफा फायरिंग के तबादले में 4 मुलजमान हलाक हो गए, जबकि एक पुलिस अहलकार ज़ख्मी हुआ। अमजद शेख के मुताबिक, हलाक डाकुओं के कब्ज़े से 5,40,00,000 रुपए की रकम बरामद हुई है। मारे गए मुलजमान के कब्ज़े से असलाह भी बरामद हुआ है। SSP अमजद शेख ने दावा किया है कि हलाक होने वाले मुलजमान हैदराबाद में चंद रोज़ कबल बैंक की कैश वैन से 13 करोड़ रुपए लूटने की वारदात में मुलव्वस थे। SHO हैदराबाद सिटी इमरान रशीद के मुताबिक, पुलिस मुकाबले के दौरान इनके थाने का पुलिस अहलकार कांस्टेबल असद चना ज़ख्मी हुआ। ज़ख्मी अहलकार की टांग में गोली लगी है, जिसे कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।